वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी, या फिर मैं कहूं एक लंबा अरसे का इंतजार, लगभग एक वर्ष का इंतजार, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जितने भी आप सभी को पता है कि वैकेंसी आई थी पिछले जनवरी में ही 2021 में, उसका काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि उसके मेंस एग्जाम कब होंगे, क्योंकि ये जो कोर्ट में अटक गई थी इस भर्ती को, और इसका पूरा कंप्लीट जो डिसीजन है वो आ चुका है। ये कौन सी भर्ती थी पहले मैं ये बता देता हूं। तो देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था मध्य प्रदेश राज्य के जो जिला सत्र न्यायालय की, शीघ्र लेखक ग्रेड टू, शीघ्र लेखक ग्रेड तीन और शीघ्र लेखक ग्रेड तीन कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड तीन और सहायक ग्रेड तीन इंग्लिश सब्जेक्ट के ये पद आए थे, जिसके नोटिफिकेशन जो थे वो लगभग 11वें महीने में इसकी जो जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई थी, और जिसको बाद यहां पर लगातार इसका जो एग्जाम था, प्री एग्जाम हो जाने के बाद मेंस एग्जाम के लिए यहां पर एक वर्ष का लगभग इंतजार करना पड़ा, क्योंकि फरवरी में इसके एग्जाम हुए थे। तो सबसे पहले मैं कोर्ट के डिसीजन की बात करूंगा, कब एग्जाम होगा, कब मेंस का एग्जाम होगा, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ये जो कोर्ट को, मतलब जो केस था, उस केस को यहां पर आप दे सकते हैं कि डिस्पोज्ड हो चुका है, मतलब फैसला कल सुनाया जा चुका है। यहां पर आप दे सकते हैं 2 जनवरी 2023, मतलब कल की दिनांक में ये फाइनली दो जो बेंच की जज थे जिस पर ये फैसला सुनाया गया, पहले जज के बेंच में पहले फैसला हुआ, फिर उसके बाद अपील किया गया था दो जजों की बेंच के लिए, और फिर वहां पर दो जजों की जो बेंच है वो उस पर फैसला अंतिम आ चुका है। और आपको एक बात यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के लेवल पे, हाईकोर्ट के लेवल पर दो जजों की बेंच अंतिम बेंच होती है, तो अब इसको हाईकोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता, अब इस फैसले को अगर चुनौती देना है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आप कह सकते हैं कि अब आ चुका है, और किसी भी तरह का रोड़ा अब फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से नहीं हो सकता, हाईकोर्ट में जाकर पिटीशन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब ये क्या निर्णय आया है इसको मैं आप लेकर बता देता हूं। तो देखिए, निर्णय जो है वो आप पूरा कंप्लीट ये ऑर्डर दे सकते हैं, 27 पेजेस का ऑर्डर यहां पर कंप्लीट दिया गया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको उस ऑर्डर का जो मेन भाव है उसको बता देता हूं कि क्या ऑर्डर किया गया। तो यहां पर आप दे सकते हैं शील नागू जो जज थे और वीरेंद्र सिंह जज, तो इनके यहां पर ये मतलब ये केस था, और इन दो जजों की बेंच ने फैसला क्या सुनाया है वो मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूं। तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ओबीसी के रिजर्वेशन को देने में नहीं की गई है। इसके अलावा यहां पर यह बात की जा रही थी कि जो जनरल मतलब या फिर मैं कहूं जो ओपन जो कैटेगरी है वहां पर बाकी जो अन्य कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ओपन कैटेगरी होती है तो उसमें शॉर्टलिस्ट सभी लोग होते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या फिर ओबीसी के हों या फिर एससी एसटी के हों, सभी का उसमें सिलेक्शन होता है, जो भी सबसे अधिक नंबर लेकर आते हैं उन सभी का, ये सभी आप सभी जानते हैं, है ना, जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पर ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया था, तो इसी चीज को लेकर यहां पर चैलेंज किया गया था। तो यहां पर साफ साफ कहा गया है कि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, मतलब हाईकोर्ट की ही भर्ती थी और हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी हम लोग ने पूरी प्रक्रिया नहीं करी है कंप्लीट, अभी क्या है केवल प्री का ये आया है, और हम ये जो प्रक्रिया होती है मतलब ओपन में जनरल ओबीसी एससी एसटी ये जो बाकी कैटेगरी के लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है मेरिट के आधार पर, तो वो तो हम देंगे, लेकिन कब, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब, तो फाइनल तो लिस्ट बनी नहीं है अभी, तो हमारी एग्जाम की प्रोसेस चल ही रही है, मतलब अभी प्री हुआ है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, तब जाकर फिर फाइनल जो मेरिट आएगी तब इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो अभी तो बीच का भी आप कह सकते हैं कि अभी तो हम लोग अभी सिर्फ प्री तक अभी तक पहुंचे हैं, तो अभी पूरा कंप्लीट मेंस तक नहीं हुआ, इस वजह से अभी इस पर इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, इस तरह के जो मतलब यहां पर जो स्टूडेंट्स ने अपील की थी तो वो बिल्कुल निराधार है, और इस तरह की कोई भी गड़बड़ी मेरिट को बनाने में नहीं किया गया है। और इसके अलावा यहां पर ये भी बताया गया है कि जो रिजर्वेशन दिया जाना है, जैसे बहुत बार कहा जाता है 27% रिजर्वेशन को देकर, तो देखिए उसके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि जो फाइनल फैसला है 14%, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंदिरा साहनी केस को भी कोर्ट किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि जातिगत आरक्षण किसी भी रूप में ओबीसी का 14% से अधिक, मतलब 27% को नहीं लिया जाएगा, और आप सभी भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, हाईकोर्ट की तरफ से लगभग ये चीजें जो है वो क्लियर है, और वो इंदिरा साहनी केस को बार बार कोट करके ये चीज कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब क्या यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो आपको जानना है वो ये कि जिनका भी प्री का रिजल्ट आया था, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे
और मतलब चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या किसी अदर कैटेगरी के हों, जितने लोग भी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं मेंस एग्जाम के, वो अपनी एग्जाम की तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि इसी हफ्ते में, इसी वीक में जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लंबा एक साल हो गया है तो शायद आप भूल गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपको पता होगा मेंस एग्जाम की जो फीस है, ऑनलाइन फीस, वो पे हो चुकी है। अगर आपको याद हो कि प्री का रिजल्ट आने के बाद बीच में अभी लगभग शायद जुलाई की बात है, उसमें फीस जो है वो भरवा ली गई है। किसके लिए? मेंस एग्जाम के लिए। जो भी प्री एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, जिनका मेरिट में नाम आया, तो उनसे मेंस एग्जाम की फीस भरा ली गई है, ग्रुप ए ग्रुप बी की। और अब क्या क्या केवल क्या बचा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बची है और उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा। तो ये दोनों प्रक्रिया में क्या कैसे होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर इसका ऑर्डर क्लियर हो चुका है, किसी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मतलब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे जो डर रहे थे कि शायद अब कट ऑफ चेंज होगा और अब फिर से दोबारा बनाया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी और ओबीसी के बच्चे सेलेक्ट होंगे तो फिर जनरल की सीट्स, मतलब जनरल के जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए तो शायद वो हट जाए, ऐसा बहुत सारे अलग अलग तरह के जो भाव थे। तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जितने लोग जहां जैसी स्थिति थी वैसे ही आगे अब कंटिन्यू होने वाली है और ऐसे ही अब आगे प्रोसेस बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब जो बच्चे जिस भी कैटेगरी के हैं, जितने लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, अपने एग्जाम की तैयारियों में आप लोग लग जाइए और अपने जो मेन्स एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसी हफ्ते जल्दी से अपडेट आपके लिए आ जाएगा। अब वो अपडेट क्या आने वाला है, किस चीज को प्रक्रिया होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो आगे यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि अब होने क्या वाला है। तो देखिए, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन आया था है ना, लगभग आप सभी को पता है कि इस पर पद जो थे वो भी यहां पर आप दे सकते हैं, अगर आपको याद हो तो ठीक है, यहां पर आप दे सकते हैं 5 अलग अलग तरह के पोस्ट थी। मैं ज्यादा आप लोगों को समय व्यर्थ नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आपको पता है। तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट भी आप यहां पर दे सकते हैं। अब इसके बाद प्रक्रिया क्या होनी है, तो देखिए प्री का एग्जाम तो हो चुका है, प्री का रिजल्ट आ चुका है, अब यहां पर क्या चीज बची है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर प्री के एग्जाम के बाद, मतलब प्री के रिजल्ट के बाद आपको यहां पर बताया गया था कि देखिए 1:3 में, मतलब प्रति एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का यहां पर मेरिट बना हुआ है। मतलब जो रिजल्ट आया है प्री का, उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र और दस्तावेज का परीक्षण होना है। तो देखिए, आवेदन पत्र तो मंगा लिया है क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किए गए थे ऑनलाइन, और साथ में फीस जो है मेंस एग्जाम की वो भी ले ली गई है, ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या बचा है, तो वो यहां पर अब बताया गया है कि आवेदन को अब क्या करना है कि जितने भी दस्तावेज हैं, स्पेशली जो अभी फॉर्म भरा गया है उसका जो प्रिंट है वो प्रिंट, स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको सेल्फ डिक्लेरेशन करके फोटोकॉपी को अटेस्टेड करना होगा, 2 कलर फोटोग्राफ, और यहां पर देखिए बताया है जो ऑनलाइन फॉर्म में लगाए गए थे, ये सारी चीजें जो हैं आपको लिफाफे में रखकर भेजा जाना है। कहां पर भेजा जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपको पहले ग्रुप लिखना होगा उस लिफाफे के सामने, ग्रुप ए की बी किसके लिए फॉर्म के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जिला न्यायालय में जमा करना होगा न्यायाधीश के नाम में, यहां पर जो लिखा गया है कि संबंधित जो प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के नाम पर संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से आपको ये जिला न्यायालय में जमा करना है और डाक के माध्यम से ही आपको भेजना होगा। 7 दिवस जो है वो विशेष रूप से यहां पर बताया गया है कि अंतिम तिथि से कम 7 दिन तक जो पूर्व जो है आवेदन आपको भेजना होगा, और उसके बाद आ जाता है मतलब डेट जो है, डेट के बाद आपका पहुंचेगा डाक, तो उसके लिए आप भार हो जाएंगी, ये सब वगैरह मतलब वजह यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य बात जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक चीज और बताया गया है कि जितने भी शैक्षणिक योग्यता आपने फॉर्म भरते समय दी थी तो सबके स्वप्रमाणित दस्तावेज होना चाहिए। कुछ भी अगर प्रति नहीं रहती है या फिर आप नहीं भेजते हैं तो साफ साफ बताया गया है कि इस तरह के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा की अब बात कर लेते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन वाली चीजें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट वहीं पर अपलोड करा लिए जाए, तो ऑफलाइन का होना। लेकिन यहाँ पर क्या है, DV जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जिला सत्र पे जाकर वो भी कराना बहुत जरूरी है। तो जो जिला सत्र पे जो यहाँ पर प्रमाणीकरण है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने
हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि इसके बाद क्या होगा। तो देखिए यहां पर मुख्य परीक्षा की बात मैं कहूं, जो मेंस एग्जाम है, तो मुख्य रूप से आपको पता है कि 100 अंकों की होती है, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के केंद्र जो है वो आपको जिला निर्धारित के माध्यम से जितना जो जिला है उसके आधार पर दिया जाएगा आपको केंद्र। और उसके बाद यहां पर बताया गया है कि आपका जो ये एग्जाम है, अगर आप यहां पर ABC तीन तरह के ग्रुप थे, आप जिस भी ग्रुप के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2-3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ, तो उसके लिए यहां पर हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन है 64 वर्ड का, ट्रांसक्रिप्शन या टाइपिंग है 100 मार्क्स के लिए, मतलब 5 और 30 मिनट, मतलब 35 मिनट टोटल समय दिया जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसमें हिंदी टाइपिंग है 350 वर्ड्स अप्रॉक्स, और डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग भी है 400 वर्ड की, 30+70 मतलब 100 नंबर रहेगा, और 10 और 10 मतलब टोटल 20 मिनट का समय रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन रहेगा 400 वर्ड का, और ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग रहेगा 100 वर्ड्स का, 5 और 30 मतलब 35 मिनट इनको भी समय दिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टाइपिंग है वो तो हिंदी रेमिंगटन गेल में होती है, आपको बताई है। असिस्टेंट ग्रेड जो शीघ्र लेखक ग्रेड 2-3 और कोर्ट मैनेजर स्टाफ की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो समय दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा सभी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बताई जाएगी है कि अगर मूल डिक्टेशन के दौरान मतलब किसी भी तरह की आपत्ति का अधिकार आपको नहीं होगा, कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो, और आप कुछ डिक्टेशन नोट करना चाहते हैं तो वहां पर अलग से आपको एक शीट जारी कर दी जाएगी जहां पर आप उसको लिख सकते हैं। मतलब बुक में डिक्टेशन जो है वो लॉन्ग हैंड में लिखे जाने पर आपको मतलब पूरे अंक काटे जाएंगे, इस तरह की चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए जो 10 मिनट में 350 हिंदी के मैटर टाइप करना है और 400 वर्ड्स की हिंदी डायरेक्ट टाइपिंग है जिसको सुनकर कंप्यूटर में सीधे टाइप करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी बताया गया है कि आपको 5 मिनट में 400 वर्ड्स इंग्लिश में टाइप करना है, इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग करना है, 30 मिनट का समय दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसके साथ में यहां पर विशेष ध्यान ये देना है आपको कि मतलब अंग्रेजी हिंदी डिक्टेशन या हिंदी डायरेक्ट जो डिक्टेशन होता है उसके दौरान जितने भी शोर मचाने वाले सामग्री हो सकती है तो उसको परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह का प्रतिबंधित मतलब ना हो, किसी तरह से सुनने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ में मूल्यांकन क्या कैसे होगा, ठीक है, जो उत्तर पुस्तिका है उसके मूल्यांकन को देखकर देखिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर अगर कोई भी आप गलत, जैसे साफ साफ यहां पर बताया गया है कि यहाँ पर मूल्यांकन क्या है कि प्रत्येक त्रुटि में अंक काटा जाएगा। मतलब जैसे लिखा भी है कि अगर आप गलत शब्द या वर्तनी स्पेलिंग त्रुटि करते हैं, शब्द छूट जाता है, विराम चिन्ह वगैरह छूट जाते हैं, तो इन सब ये इसको त्रुटि के अंतर्गत माना जाएगा, ये एरर के अंदर माना जाएगा। और इस तरह की गलती करने पर 1/2 अंक मतलब 0.50 अंक काटा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी इस तरह का विशेष ध्यान रखना है, इसमें आप 120 से अधिक अगर गलती होती है तो फिर मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब 0 अंक आपको दिए जाएंगे। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि त्रुटि नहीं होना चाहिए। यह किसकी बात की गई है, यहां पर ही बात की गई इन सभी पदों पर जो ऊपर मैंने बताया। सहायक ग्रेड 3 वाले जो रहेंगे तो उनका कैसे मूल्यांकन होगा, तो उनके लिए भी सेम बताया गया है कि 0.50 अंक काटा जाएगा त्रुटि, जैसे गलत शब्द, वर्तनी त्रुटि, शब्द छूट जाना, विराम चिन्ह वगैरह वगैरह के लिए। डायरेक्ट डिक्टेशन के लिए यहां पर बताया गया है कि अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान दे कि हिंदी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 36 या डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 0 अंक मतलब 0 अंक प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपको टाइपिंग करना है, जब आपको डायरेक्ट टाइपिंग करना है तो 36 से ज्यादा त्रुटि नहीं होना चाहिए, और जब आपको डिक्टेशन टाइपिंग करना है तो 84 या 84 से अधिक टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। इससे कम ही कम से कम हो आपका एरर, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा 50% से अंक कम पाए जाते हैं तो भी आपका जो रिजल्ट है, यहाँ पर आपको बताया गया किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंकों का 50% कम प्राप्त अंक होने पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तो 50% से ऊपर भी नंबर लाने हैं आपको। परिणाम कैसे आएगा, तो परिणाम को लेकर भी यहां पर बताया गया है कि यहां पर जो भी प्राप्तांक है मतलब जो नंबर यहां पर पाए गए हैं उसके आधार पर आपको मेरिट बनेगी, जिसकी जैसे उम्र होगी उसके हिसाब से वरीयता प्रदान की जाएगी, सबसे अधिक उम्र वालों को पहले वरीयता दी जाएगी नंबर के बाद,
ठीक है, पहले नंबर को वरीयता, उसके बाद अगर सेम नंबर रहते हैं तो फिर एज को वरीयता दी जाती है, आप सभी को पता है। इसके अलावा यहाँ पर साफ साफ सारी चीजें बताई गई है कि किस तरह से सिलेक्शन होना है और क्या क्या चीजें हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी चीजें बताई गई हैं कि वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा, जिससे अगर कोई बाहर होता है तो या ज्वाइन नहीं करता है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। इसके अलावा ज्वाइनिंग जो है वो कैसे होगा, जिला आवंटन कैसे होगा, तो आपको जो चयनित अभ्यर्थी है तो जिले के आवंटन जो है अभ्यर्थियों ने जो अपनी चॉइस बिलिंग की है श्रेणीवार, जिन्होंने अपना जिले का मतलब ऑप्शन दिया है, उसी के आधार पर उनके नंबर के आधार पर देखा जाएगा। तो जहां जहां उन्होंने अपना चयन दिया है तो उसके आधार पर उनको जिला आवंटित किया जाएगा। और विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी जो ऑप्शन है इस तरह के चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अर्हता और उसके दस्तावेज और पृष्ठभूमि के सत्यापन उपरांत ही नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन होगी। इसका मतलब ये है कि जो नियुक्ति है तो जो भी उसकी अर्हता है, मतलब जो उस क्वालिफाई के लिए उसको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें इससे जब संतुष्ट होंगे तो ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे जाती है। इसके अलावा ये सारी चीजें मैंने पूरी बता दी है, ये पूरी ज्वाइनिंग तक की चीजें, बहुत जल्दी अपडेट आपके लिए आ जाएगा एग्जाम का, मेन्स का एग्जाम का, और वो मेन्स के एग्जाम के लिए आप बहुत जल्दी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्स एग्जाम फीस के ऑप्शन के पास में ही यहीं पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसी हफ्ते जल्दी से आपके लिए मेंस का पूरा कंप्लीट आने वाला है डेट, तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ आप पूछना चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट करिए। अधिक जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह की जानकारी के लिए आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ले जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।